ऐसे ही करते रहे और आगे बढ़ते रहे और आज मैं बहुत 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 प्राउड हूँ स्माइली के लिए। 40 दिन, सिर्फ 40 दिन। मैं दुबई से वापस आई, मीला मेरी टीचर थी, मेरे पास वक्त नहीं था, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगी, लेकिन मुझे पोल इंडिया में लोगों को समझाना था कि पोल में बहुत शक्ति है। तो सबसे पहले मैंने मलखम को अप्रोच किया, सर उदय देश पांडे को, मैंने अपना इंडियन पोल प्रमोट किया, फिर कलरी पाइतू और बहुत से ऐसे जो डांस फॉर्म्स है जो बाहर नहीं आ रहे हैं उन टीचर्स को अप्रोच किया और बहुत काउंसलर्स और लोगों को अप्रोच किया ताकि वो आके इमोशनल हेल्थ के बारे में बात करें, क्योंकि पोल में मुझे बहुत शांति शक्ति मिली। और पोल स्टार मेरी कंपनी है जिसने ये इवेंट किया है, ये शक्ति 1.0 है, शक्ति 1.1 होगा नवंबर में गोवा में। अरे वाह, व्हाट फन। आई थिंक जरा जरा में एक आई थिंक वो एक ही गाना है जहाँ पे एक लीडिंग लेडी का एक सेंशुअल एक्सप्रेशन नज़र आता है, जहाँ पे एक औरत क्या चाहती है वो गाने में जाहिर होता है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई वो इतना पॉपुलर हुआ और आज भी लोग उसे सुनते हैं। बहुत सारे हैं, बट आई थिंक बचपन में बड़े होते वक्त वी वॉच फ्रेड एस्टर एंड जीन कैली एंड वी थॉट दे वर ग्रेट डांसर्स, बट आई थिंक अगर हम हमारे इंडस्ट्री की बात करें तो माधुरी दीक्षित जी, और उनको देखते हुए बड़े हुए हैं, उनकी डांसिंग, उनका ग्रेस, उनकी अदाकारा, उनकी अदायगी, वो कोई और मैच नहीं कर सकता। थैंक यू, थैंक यू।